हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की लेक्चर नंबर सात में हम लोग डियर स्टूडेंट क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि टॉपिक में लगा दिया गया है। आज की टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब। इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होती है, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरी टॉपिक है दर्पण, दर्पण के बारे में जानेंगे। और डियर स्टूडेंट, अंत तक बने रहिएगा। अगर अंत तक पूरे वीडियो, पूरे क्लास को आप अटेंड करते हैं, तो मेरा आपसे एक वादा है कि आज से आप लोग जो है न तो प्रतिबिंब को भूलोगे, न तो दर्पण को भूलोगे। अगर पूरी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रह जाए, तो मेरा पूरा मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिएगा। अगर आपके ये पूरे डाउट क्लियर हो गए, तो आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता डियर स्टूडेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है कि दोनों चीज़ें आज हम आपको क्लियर कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, और आप लोग अच्छे हैं तो आप लोगों की सहयोग से हम भी अच्छे हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इमेज क्या होता है कि जैसे कि हम लोग वस्तु हो गए, हम वस्तु हैं, आप वस्तु हैं, तो आपसे जो चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है, जो भी कोई वस्तु हो गया, वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश किरण होगी, जब चिकने तल से टकराती है, और टकराने के बाद वापस जिस बिंदु पे जाकर मिलती हैं, वही बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे जरा सा इमेजिन कीजिएगा, आइए हम आपको समझाते हैं। हमने क्या कहा कि ये कोई बिंदु वस्तु हो गया, ए और क्या हो गया, बी हो गया। तो इनसे, और ये कोई हो गया चिकना पारदर्शी माध्यम, कोई भी एक चिकना पारदर्शी माध्यम हो गया, जिसका पृष्ठ क्या कर दिया गया, कलई कर दिया गया। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। तो ये जो वस्तु ए बी है, वस्तु ए बी को हम लोग एक अच्छा सा इंसान बना लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए ये कोई इंसान हो गया। ध्यान समझिएगा, अब ये जो इंसान होता है, जब दर्पण के सामने खड़ा होता है, किसी शीशे के सामने खड़ा होता है, तो इसकी जो छाया आपको शीशे में दिखाई पड़ती है, जो परछाई आपको दिखाई पड़ती है, जो उसकी आपकी जैसा इंसान रहता है वैसा छाया दिखाई पड़ता है, जो आकृति दिखाई पड़ती है, छाया नहीं आकृति दिखाई पड़ती है, वही आकृति ही क्या कहलाती है, इस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। डियर स्टूडेंट, आप एक बार फिर से इसको क्लियर कीजिएगा। जब हम लोग किसी दर्पण या किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के पास खड़े होते हैं, के सामने खड़े हो जाते हैं, हमने क्या बताया, जब हम आप कोई भी वस्तु किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम के पास खड़े होते हैं, तो प्यारे बच्चों, उसमें जो आपकी छाया दिखाई पड़ती है, जो आपकी आकृति दिखाई पड़ती है, वही आकृति ही क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। ये तो रहा अपना वाला डिफिनीशन। अब जैसे आप लोग कैसे अगली डिफिनीशन दोगे, तो ध्यान से समझिएगा कि इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब चिकने तल से टकराती हैं, टकराने के बाद जिस बिंदु पे जाके मिलती हैं, वो बिंदु वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आइए जरा सा हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे। प्रतिबिंब कितने दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। अब ध्यान से समझिएगा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, इसको आप लोग इंग्लिश में लिखते होंगे रियल इमेज, RealImage, और इसको आप लोग वर्चुअल इमेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्चुअल इमेज होता है। अब ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है,
आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कि किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं और टकराने के पश्चात जिस बिंदु पे जाके मिलती हैं, अगर वास्तव में मिलती हैं तो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या हमको आभास होता है तो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ आपको जो है जरूर समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरे परिभाषा को समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे ये आपका दर्पण हो गया तो दर्पण के जैसे ये आपका दर्पण हो गया तो दर्पण के सामने जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सब वास्तविक होगा और दर्पण के पीछे जो बना प्रतिबिंब होगा वो कौन सा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। आप जैसे हमने क्या कहा कि जैसे ये वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड के पीछे क्या हो सकता है? तो केवल आप लोग कल्पना करोगे कि वाइट बोर्ड के पीछे हो सकता है कि कुछ पेंट किया गया हो या कुछ बनाया गया हो। अगर हम आपसे पूछें कि वाइट बोर्ड के सामने क्या है तो आप देख सकते होंगे, बताएंगे कि एक इंसान बनाया गया, एक प्रतिबिंब लिखा गया है। तो ये वाइट बोर्ड के जो सामने बना प्रतिबिंब है, ये जो सामने दिख रहा है, ये आपका क्या होता है? वास्तविक होता है। और जो नहीं दिखता, जो पीछे होते हैं, वो क्या होते हैं? आभासी होते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोग टीवी सिनेमा मूवी देखते होंगे तो उसमें जो कलाकार जो है कला को प्रदर्शन करते हैं, वो जो कलाकार हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जो आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस होंगे, वो लोग क्या हैं? वो लोग आपके क्या हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। वो क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। और आभासी कौन होता है? जिनको हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, जिनको हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आइए हम लोग कुछ जरा सा समझते हैं या जो समझे हैं उनको लिख लेते हैं, फिर आपको जरूर दिखाएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, जरा से इसको मूव कर लेते हैं। क्या हमने बताया था? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसकी इंग्लिश होती है इमेज। इमेज क्या होता है? हमने बताया बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें परावर्तन, टकराना यानी टकरा के लौटना ही परावर्तन कहलाता है ना। तो परावर्तन, अपवर्तन के पश्चात, अभी अपवर्तन आप लोग नहीं पढ़े हो, पढ़ लोगे। परावर्तन, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। वही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, हमने क्या बताया कि किसी भी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे जाके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु ही क्या कहलाता है? उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे आप क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर आपने एक दर्पण बना लिया, कोई भी एक दर्पण बना लीजिएगा, जरा सा आप एक क्या बना लिए, एक चिकना कोई माध्यम ले लिए, एक चिकना पारदर्शी माध्यम ले लिए। अब ध्यान समझिएगा, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो अब पॉलिश, अब ये पारदर्शी नहीं रह गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कोई बिंदु। अब इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, जब इससे टकराई, इससे क्या हुई? टकराई। और टकराने के बाद जिस बिंदु पे ये जाके मिल गई, जिस बिंदु पे जाके ये मिलेंगी, क्या हुआ? हमने कहा कि किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ये देखिए परावर्तन हुई इनका,
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे जाके मिलती है वही बिंदु ही इस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अगर वास्तव में मिल गई तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, अगर आभासी मिली तो आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो डियर स्टूडेंट आइए हम लोग जानते हैं, एक दूसरी डिफिनीशन की चर्चा हमने किया था वो क्या था, उसको भी देख लेते हैं। दूसरी डिफिनीशन हमने क्या बताया था, जब किसी वस्तु को दर्पण, दर्पण मतलब आप सब समझ रहे होंगे शीशा, दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में बनी वस्तु की आकृति ही प्रतिबिंब कहलाती है। आवाज बाहर आ रहा है, प्रतिबिंब कहलाती है, ध्यान से समझिएगा। अब आपको हम दिखाते हैं, क्या कहा कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में जो वस्तु की आकृति बनती है, जो दर्पण में बनी, तो दर्पण में बनी आकृति ही, दर्पण में बनी, ऐसे लिखना चाहिए था, तो दर्पण में बनी आकृति ही वस्तु की प्रतिबिंब कहलाती है। तो थोड़ा सा आगे वर्ड हो गए थे, तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में जो आकृति बनती है, जैसा वस्तु रखे रहोगे वैसी आकृति बनेगी, तो वो आकृति क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। किसका, जो वस्तु रखे रहोगे उसका। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, कुछ हमने मौजूद रखे हैं, ये देख सकते होंगे कि आपका मिरर है, ये आपका क्या है, दर्पण है, क्या है, दर्पण है। अब इस दर्पण के सामने, इस दर्पण के सामने हम लोग जिसको रखेंगे, इस दर्पण के सामने हम लोग जिसको रखेंगे वही हमको दिखाई पड़ेगा। तो देखिएगा, जैसे हमने क्या कहा कि इस दर्पण के सामने इस मार्कर को रखेंगे तो देखिए इस मार्कर का जो प्रतिबिंब है, मार्कर की जो ये आकृति है, ये आपको शीशे में दिखाई पड़ रहा होगा। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमने क्या बताया, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में बनी आकृति, ये जो दर्पण में बनने वाली आकृति है, सेम टू सेम इसके जैसे बनने वाली जो आकृति है, ये आकृति ही वस्तु की, इसकी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। अब आप देखोगे इसको हम लोग रख के देखें तो ये देखिए ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ रही, देख रहे हैं, जैसा वस्तु रखोगे वही आपकी आकृति बनेगी और वही आकृति ही क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। अब इसको रखकर आप इसको भी देख सकते हैं, तो इसको देखने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे आपने वस्तु रखा है वैसी ही आकृति आपको दर्पण में दिखाई पड़ रहा है, तो दर्पण में बनने वाली जो आकृति है वो क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने जैसा कि बताया कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार इसकी इंग्लिश आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब के प्रकार, क्या होता है प्रतिबिंब के प्रकार में। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ये क्या होता है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान से समझिएगा, पहला कौन होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आपका क्या आता है, दूसरा आपका आता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा क्या आता है, आभासी प्रतिबिंब।
आभासी प्रतिबिंब। ध्यान से समझिएगा, ये दो प्रकार के हो गए, एक वास्तविक एक आभासी। और वास्तविक की आप इंग्लिश लिखना चाहते हो तो आप जरूर लिख सकते हो वास्तविक की इंग्लिश। तो वास्तविक की इंग्लिश आप लिख सकते हैं रियल इमेज, आर ई ए एल आई एम ए जी ई, रियल इमेज। और इसकी आप लिख सकते हैं वर्चुअल इमेज, वी आई आर टी यू ए एल आई एम ए जी ई, ठीक, ये वर्चुअल इमेज हो गया। ध्यान से समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो हम इसी से समझा दे रहे हैं कि आप कैसे इसको परिभाषित करोगे। ध्यान से समझिएगा, जिनको हम लोग पर्दे पे ले सकते हैं, कहोगे पर्दा क्या होता है, यानी जिनका हम लोग सेल्फी ले सकते हैं, जिनको हम लोग फोटो खींच सकते हैं, जिनको हम लोग कैमरे में कैद कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब जैसे आपने क्या कहा कि जो दर्पण जो शीशा में आपको बना था, जो शीशे में आपको प्रतिबिंब बना था वो क्या होगा, या जो टीवी में आपको जो है पिक्चर मूवी आप देखते हैं तो वो कौन से प्रतिबिंब होते हैं। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, वो कौन से इमेज होते हैं, वो आपके कौन से इमेज होते हैं, वो आपके वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको पर्दे पर ले सकते हैं, पर्दे पर उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको किसी कैमरे में कैद कर सकते हैं। पर आप पूछिए वर्चुअल इमेज क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बताइए दीवार के पीछे क्या है, व्हाइट बोर्ड के पीछे रखी वस्तु को आप किसी कैमरे में कैद करके खींचिए या किसी कैमरे में आप उसको प्राप्त कीजिए, तो आप उसे कैमरे में प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आभासी प्रतिबिंब है, वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। यानी हमारे बात ये आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए कि जिनको हम लोग कैमरे में प्राप्त कर सकते हैं, जिनको हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जिनको पर्दे पर नहीं ले सकते वो हमारे क्या कहलाते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं यहां क्या लिखेंगे, इनको पर्दे पर, इनको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जाइए इनको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, इनको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इनको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जरा सा डिफिनीशन कैसे दोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहीं से आप लिखिएगा कि बिंद वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉरी मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी, जिस बिंदु पर जाके मिलती है वो क्या कहलाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं, और जब मिलती हुई प्रतीत होंगी वो आपके क्या कहलाते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाके वास्तव में मिलती हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जिस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार आपका जो प्रतिबिंब था वो क्लियर हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि अगर आपको कहीं भी किसी भी हेडिंग में या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, वो कमेंट नहीं करते तो आपकी वो कायरता में गिनी जाती है। कि आपको अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे कि क्या हमारे पढ़ाए गए जो लेक्चर हैं वो आपको समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। आप जैसा कमेंट करोगे वैसे हम लोग अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा पढ़ाया जाए जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, वो क्या है, दर्पण। चलिए चर्चा करने वाले हैं दूसरी टॉपिक का नाम दर्पण। दर्पण क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। आपका आवाज़ बाहर आ रहा है, आवाज़ बाहर आ रहा है, ये वाला, ठीक। दूसरे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं दर्पण, मिरर क्या होता है। तो आप जितने भी स्टूडेंट होंगे कक्षा 10 के, डियर स्टूडेंट, चाहे स्टूडेंट हो चाहे जो भी,
बच्चे हों या बच्चियाँ, सभी लोग जो है दर्पण का उपयोग करते हैं। अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं कि कितना सुंदर सा मुखड़ा भगवान ने बनाया है आप लोगों का। तो अपने अपने सुंदर से मुखड़े को देखने के लिए आप लोग जिस चिकने पारदर्शी माध्यम का उपयोग करते हैं वो चिकना पारदर्शी माध्यम ही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो ध्यान से समझेंगे कि हम लोग डेली प्रतिदिन उपयोग करने वाले वस्तु को आज पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम क्या है, दर्पण, और गांव में उसे क्या बुलाते हैं, सीसा। आइए हम लोग जानते हैं दर्पण क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अब क्या होता है दर्पण जानते हैं आप? दर्पण कुछ होता नहीं है, तीन वर्ड से मिलकर बना है, दर्पण, ठीक। आइए अब ध्यान समझिएगा, जिसकी इंग्लिश आप लोग MIRROR लिखते होंगे, मिरर। अब क्या होता है दर्पण क्या होता है जानते हैं? एक होता है चिकना पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक चिकना पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक चिकना पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि इसका एक पृष्ठ तो एकदम चिकना होता है, एकदम मुलायम होता है, जरा सा भी कहीं भी खरुदा या खुरदुरा नहीं होता। अब इसके दूसरे पृष्ठ को क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, लेप कर देते हैं, एक लाल रंग से लेप कर दिया जाता है, एक लाल रंग का लेप चढ़ा दिया जाता है। आप उसको हम दिखा सकते हैं प्यारे बच्चों कि आपको क्या किया जाता है, ठीक, एक ऑक्साइड का लेप किया जाता है, लाल रंग के ऑक्साइड का इसके पीछे वाले भाग पर लेप कर दिया जाता है, ठीक, वो आपका क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यानी हम यहां बता सकते हैं कि किसी भी चिकने व पारदर्शी माध्यम को, ध्यान समझिएगा, जब आप लेप नहीं किए थे, चलो एक मिनट के लिए हम भूल जाते हैं कि हमने इसको लेप उप नहीं किया था, यानी इसको अच्छे से सजाया बिजाया नहीं था, अब ध्यान समझिए, ये कोई चिकना पारदर्शी माध्यम हो गया। किसी भी चिकने पारदर्शी माध्यम को, अगर चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को हम लोग क्या कर दें, कलई कर दें, पेंट कर दें, वो हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ध्यान समझिएगा, बस इतना बताना है और इतना लिखना है बोर्ड के पेपर में। अगर पूछा कि व्हाट इज मिरर यानी दर्पण क्या है, तो दर्पण क्या है, किसी भी चिकने पारदर्शी माध्यम को, किसी भी चिकने पारदर्शी माध्यम को एक पृष्ठ को लाल रंग का कलई कर दिया जाए या एक पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाए और तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए, यानी इससे प्रकाश किरणें टकराए और टकरा के लौट जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। देखेंगे, देखना चाहते हैं कि आप लोग दर्पण क्या होता है, तो देखे तो रोज हैं प्यारे बच्चों, केवल उसको ध्यान में नहीं दिए। आज हम ध्यान दिलाएंगे आपको, ध्यान में दिलाएंगे कि दर्पण क्या होता है। आइए हम लोग लाए हैं दर्पण देखने के लिए, फिलहाल ये देख लीजिएगा, दिखाई पड़ा आप क्या है, इसका एक भाग एकदम चिकना है, क्या है, एक भाग एकदम इसका क्या है, चिकना है, ध्यान से समझिएगा, एक भाग इसका चिकना है। हमने कहा कि एक भाग इसका चिकना बना दिया जाता है, एक भाग परावर्तक बना दिया जाता है। आप कहोगे सर परावर्तक क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि इस पे पड़ने वाली जो प्रकाश होगी वो इससे टकरा के क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, इसी को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। यानी जब प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ से टकरा कर लौट जाएं तो वो पृष्ठ परावर्तक कहलाता है। तो मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में बता के रखा है परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, नहीं देखे होंगे तो फटाक से जाके देखिएगा, तब समझ में आएगा परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। अब आज आए हो तो आज नहीं समझ पाओगे, इससे पिछले वाले लेक्चर में जाइए और देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दावा है पूरा आएगा, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं दर्पण, दर्पण क्या है, क्या है, मैंने बताया कि जिसका एक पृष्ठ क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, देख रहे हैं। अब यहाँ कहोगे सर जी लाल रंग का बता रहे हैं तो सफ़ेद रंग का पेंट है, अरे भाई साहब लेप तो किया गया है ना, किसी का भी लेप हो, लाल हरा पीला काला नीला जैसा भी हो, तो एक लेप किया गया है, जानते ये ऑक्साइड का लेप होता है, किसका लेप होता है, ऑक्साइड का लेप होता है। तो यानी जिसका एक पृष्ठ कलई किया गया हो और जिसका एक पृष्ठ चिकना हो परावर्तक हो वो आपका क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। आपको दर्पण समझाते समझाते इतनी ज्यादा हमारे दर्पण निकल जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या करेंगे। अब मैं आपको समझ में आएगा नहीं, अगर आपको समझ में आया होगा तो ये सब मंजूर है मुझे, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में कमेंट करते नहीं, तब कष्ट होता है बहुत ज्यादा। तो आप समझिएगा, दर्पण समझ में आया तो इसको रख दें, रखने की इजाजत है, चलिए रख देते हैं। दर्पण क्या हो गया, समझ में आ गया तो लिख देंगे। हाँ समझते चलते हैं कि इसका एक भाग क्या होगा, कलई होगा, इसका एक भाग क्या होगा, कलई होगा, एक भाग परावर्तक होगा। त्यानी लिखते हैं क्या लिखेंगे, एक चिकना पारदर्शी माध्यम, एक चिकना पारदर्शी माध्यम, एक चिकना पारदर्शी माध्यम
जिसका एक पृष्ठ क्या हो पॉलिश किया गया हो या जिसका एक पृष्ठ कलई किया गया हो, तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो क्या कहलाता है दर्पण कहलाता है। ये बातें ज़रूर क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं, हम लोग जानते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गोली दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो आइए ध्यान से समझते हैं कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के। तो सबसे पहला कौन होता है, समतल दर्पण, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन मिरर, PLANEMIRROR, प्लेन मिरर। उसके बाद दूसरा क्या आता है, दूसरा आपका आता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। उसकी आप इंग्लिश लिखना चाहोगे तो ज़रूर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, SPHERICALMIRROR। ध्यान से समझिएगा, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपके सामने बनाया गया दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है। यानी आप बताओगे कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, प्लेन हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ये देखिएगा, अभी हमने क्या बताया कि जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम प्लेन हो, एकदम समतल हो, देख रहे हैं समतल है नहीं, समांतल है नहीं, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वो समतल दर्पण कहलाएगा, और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो वो क्या कहलाएंगे, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। अब क्या हमने बताया कि जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो, एकदम इस प्रकार का, वो समतल दर्पण कहलाता है, और जिसका पृष्ठ गोलीय दर्पण हो वो क्या कहलाते हैं, तो फिलहाल गोली दर्पण दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, पर आप लोगों को ये समझाने के लिए ज़रूर हम लोग कुछ प्रयास करेंगे। आप देख सकते होंगे कि जो ये इसका जो आगे वाला जो ये पृष्ठ है, ये क्या है, गोली है कि नहीं है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण। यानी सामने वाला जो पृष्ठ होता है, अगर गोली है तो गोली दर्पण, समतल है तो समतल दर्पण, अगर गोल है तो गोली दर्पण, समतल है तो समतल दर्पण। लीजिए, ठीक, बातें समझ में आई, तो लिख लेते हैं। हमने क्या बताया, समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल दर्पण कहलाते हैं। डायग्राम हमने आपके सामने बना के रखा है, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ये क्या है, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण। तो लिखे समतल दर्पण क्या होता है, तो लिखते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। कुछ पॉइंट है इनकी नोट करने वाली बातें, वो आपको ध्यान से समझना होगा कि एक नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज याद कर लीजिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। तो ये बातें ज़रूर लिखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ये हो गए समतल दर्पण।
और कुछ आप बता सकते हैं? समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होता है, और क्या होता है प्यारे बच्चों? आभासी होता है, और साथ साथ में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। हमने क्या बताया कि समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो आभासी बनेगा और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। आप उसको देख सकते हैं, जितने समतल दर्पण रहेंगे हर एक दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आपका आभासी और क्या बनता है? सीधा बनता है। तो इस प्रकार आप समतल दर्पण को बता सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं गोली दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोली हो, वो क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। हमने क्या कहा? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोली हो, वो क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इसको भी लिख लेते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। समझे? अब गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हमने क्या बताया? गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दर्पण आता है उत्तल दर्पण। क्या आता है? उत्तल दर्पण। और दूसरा कौन आता है? अवतल दर्पण। कौन आता है? दूसरा कौन आता है? अवतल दर्पण। तो डियर गाइस, डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने जान लिया कि गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सबके बारे में जाना। हाँ, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इन सबका उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको अगली वीडियो में यानी अगले लेक्चर में मिलने वाला है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप लोग वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने की वजह से आप देखना पसंद नहीं करते हो डियर स्टूडेंट। तो आई होप वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना सपोर्ट कीजिएगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग अपना प्यार इस चैनल के साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, और हम लोग भी आपके साथ ज़रूर रहेंगे। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।